हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर डे, डेट इज़ 87। गुड मॉर्निंग जय माता दी। मैं सुबह उठ चुकी हूँ, उठ के रेडी होकर सीधा मैं निकली कॉलेज के लिए। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया क्योंकि कॉलेज में एक इवेंट था जो कि था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और इवेंट होता है तो कि रिफ्रेशमेंट तो होती ही है। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँगी, और अकेली होती हूँ तो मैं कुछ खास बनाती नहीं हूँ, काफ़ी टाइम मेरा कॉलेज से काम चल जाता है। तो यहाँ पर देखो अपनी फ्लैट्स ली थी और डायरी वगैरह जो थी, उसके बाद जो है मेरी सिस्टर भी आने वाली थी, तो ये इवेंट कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद लंच का टाइम हो गया था, मेरी सिस्टर आ गई थी, उसके साथ मुझे जो है कॉलेज के लिए निकलना पड़ा। और जो इग्नू के कुछ असाइनमेंट सबमिट होते हैं वो होते हैं आपके श्रद्धानंद कॉलेज में, यहाँ पर जो अलीपुर है, तो हम निकले वहाँ के लिए। यहाँ पर ये पार्किंग थी, और उसके बाद जो है फिर हमने असाइनमेंट सबमिट करा दिए, फिर हम निकले खाटू श्याम जी के लिए क्योंकि दिल्ली धाम भी नज़दीकी है। तो हमने सोचा चलो बाबा जी के दर्शन भी कर ही लेते हैं, आप भी कर लो। तो यहाँ पर हमने काफ़ी देर के लिए थोड़ा सा एक बार पहले एक्सप्लोर किया पूरा, देखा दिल्ली धाम काफ़ी बड़ा है जो कहीं उन्होंने पता होगा। फिर हम काफ़ी थक गए थे और गलती से हम हाईवे पे चले गए थे। मैप कई बार आपको पता है ऐसे आपको डेविएट करता है ना, तो जिसकी वजह से हमें शाम हो गई थी आते आते, तो शाम के 5 बज गए थे। फिर हमने पिया नारियल पानी, ये हमारे यहीं पे ये तो यूनिवर्सिटी के पास ही है, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर मैं जाके जल्दी से लैब को बंद करके आई। उसके बाद आते ही एकता ने डिनर रेडी कर दिया था। डिनर में देखो एक मलाई घर वाले दूध की निकाली थी इसने, तो मैं खा लेती हूँ, वरना यहाँ वाले दूध की तो मलाई नहीं खा सकती मैं, पैकेट वाले की। तो और इसने परांठे बना दिए थे, चटनी थी। फिर इसने कहा मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी, तो इसने खुद पिज़्ज़ा बनाया कढ़ाई के अंदर, क्योंकि ओवन तो यहाँ था नहीं। फिर वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर ये बोली मार्केट भी चलते हैं क्योंकि आज मार्केट लगती है वेनेसडे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो यहाँ से कुछ सब्ज़ी वगैरह ली। तो आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था भाई, बहुत ज़्यादा। आते ही मैंने इनको वॉश करके लगा दिया था और बहुत थक गए थे क्योंकि देखो सारा दिन में कितने ज़्यादा वो थे इवेंट। फिर मैंने सोचा चलो क्लास तो लेनी है, क्लास लेने लगी तो देखो भाई एप्लीकेशन में एरर आ गया था। मैंने बहुत वेट किया लेकिन आज मेरी कोई क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी, आज मेरे पास कोई अपडेट नहीं। लेकिन क्लास हुई है, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं आ पाई क्योंकि ये जो थी एप्लीकेशन में एरर था। तो कल ही मैं लूँगी, बट कोई नहीं, गुड फ्राइडे की छुट्टी भी है, सैटरडे संडे भी है, तो मैं कर लूँगी क्लासेस मैनेज जो भी डिसबैलेंस हुआ है। बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से एक नए मिनी ब्लॉग के साथ। आज के लिए कुछ खास नहीं था भाई, घूमी घूमी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग।